दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों बताने वाले हैं, देख सकते हैं हमारे पास एक फ्री डीटीएच आया है। तो देख सकते हैं यहाँ पर डीटीएच लिखा गया है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जब हम इसको ऑन करें तो ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम पहले से इसको खोल दिए हैं, इसका स्क्रू जितना भी था 4-5 टो। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका पावर सप्लाई को हम चेंज कर दिए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी ये ऑन नहीं हो रहा है। इसको खोल कर आपको दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर पावर सप्लाई, ठीक है, ये रहा इसका, ये पुराना वाला पावर सप्लाई है और ये हमारा नया वाला है, देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। ये दोस्तों नया वाला हम इसमें इंस्टॉल कर दिए हैं। जब हम इसको चालू करें तो चालू दोस्तों बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। आपको चालू करके भी दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी लाइट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मल्टीमीटर लेकर इसको पहले यहाँ पर सेट कर देते हैं 600 पर। और इसका लाइन का सप्लाई को पहले चेक करेंगे, ये वाला, तो देख सकते हैं यहाँ पर 240 वोल्ट आ रहा है, 235-40 वोल्ट, तो एकदम सही है हमारा सप्लाई, ठीक है। फिर भी ये इसका डिस्प्ले कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इसका किट को लगाएंगे, ठीक है, जो किट हमारा आता है इसको चलाने के लिए, ठीक है, जो हमारा वीडियो ऑडियो सब कुछ चलता है इसी के जरिए से चलता है। मेन किट इसका ये है और इसका ये पावर सप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लगाएंगे। तो इसको लगाने के लिए बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो जेग है पावर सप्लाई का इसको निकाल देना है, ठीक है। इसको निकाल कर यहाँ पर आपको ऐसे ही लगा देना है, ठीक है। इसको लगाने के बाद, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कार का जो एक केबल है इसको भी निकाल देंगे, ठीक है। इसको निकाल कर ये रेड कलर उल्टा नहीं करना है, ठीक है, ऐसे ही लगाएंगे, ठीक है। उल्टा करेंगे तो ये खराब भी हो सकता है, तो इस तरह इसको लगा देंगे, ठीक है। और अभी हम इसको चालू करके देखते हैं चल रहा है कि नहीं तो ये दोनों हमारा नया लग गया, ठीक है। तो अभी देखते हैं चल रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। पावर सप्लाई भी नया डाल दिए हैं और कार्ड भी हम नया वाला डाल दिए हैं, लेकिन फिर भी देख सकते हैं यहाँ पर डिस्प्ले पर कोई भी शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपका भी ऐसा प्रॉब्लम आया तो आपको क्या करना है, तो ऐसा वाला डिस्प्ले आपके पास नया वाला आसानी से मिल जाता है मार्केट में, ठीक है। बाकी ये नया वाला नहीं है, देख सकते हैं ये पुराना वाला है। तो यहाँ पर हम इसको भी एक बार ट्राई करेंगे, ये लास्ट स्टेप है, ठीक है। ये दोनों को हम लगा दिए हैं, ठीक है, पावर सप्लाई और कार्ड को। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका जो डिस्प्ले का जो हमारा कनेक्टर है यहाँ पर इसको लगा देंगे। तो यहाँ पर ये फाइनल है, ठीक है। ये लगाने के बाद दोस्तों 100% हमारा चलना जरूरी है, ठीक है, 100% चलना। तो देखते हैं ये चल रहा है कि नहीं। अभी हम इसको लाइन दे रहे हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ग्रीन कलर जलने लगा है, ठीक है, ग्रीन कलर चल रहा है यहाँ पर, सॉरी दोस्तों ये ब्लू कलर है, ठीक है, ब्लू कलर। और यहाँ पर हमारा देख सकते हैं 610 यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। तो आपका भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो दोस्तों कार्ड बदल दिए हो, ठीक है, और ये पावर सप्लाई भी बदल दिए हो, फिर भी आपका काम नहीं कर रहा है, तो आपको
ये काम करना जरूरी है, ठीक है। इसको भी रिपेयर कर सकते हैं, इसका जो केबल आता है ना, केबल ख़राब होने के कारण ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है, देखेंगे ठीक है, इसको चेक करेंगे बाद में। और केबल ख़राब होगा तो केबल नया वाला मिल जाता है, केबल को लगा देंगे, और फिर भी नहीं होता है तो KIC भी मिल जाता है मार्केट में, ठीक है। KIC का नंबर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इसका नंबर है देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये रहा, ठीक है, 1938, और नीचे लिखा गया है SN74HC1649, ठीक है। ये दोस्तों आसानी से मिल जाता है इसका IC भी। कभी कभी क्या होता है, इसका केबल ख़राब होने के कारण भी ऐसा प्रॉब्लम आता है, और हमारे जो देख सकते हैं ये जो IC है, IC ख़राब होने के कारण भी हमारा प्रॉब्लम करता है, और डिस्प्ले भी ख़राब होने के कारण भी करता है। लेकिन हमारा जो ये जो ब्लू कलर जो जल रहा है, ठीक है, पहले तो नहीं जल रहा था इसका, तो हमारा ये ख़राब है। तो इस तरह दोस्तों आप चेक करके इसको रिटेच को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही था, वीडियो कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।